लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, तीन चार वैकेंसी बताऊंगा, एक ही वीडियो में तीन चार वैकेंसी कवर कर रहा हूँ। और देखो क्या है, वैकेंसियाँ आती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, तीन चार वैकेंसी बताऊंगा, एक ही वीडियो में तीन चार वैकेंसी कवर कर रहा हूं। और देखो क्या है, वैकेंसियाँ आती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और इसमें कुछ फ्रेशर की जॉब भी है, कुछ एक्सपीरियंस वाली जॉब है, जो जिसमें एलिजिबल है अप्लाई कर देना। और देखो अभी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी वैकेंसी निकली है, 222 वैकेंसी है, सरकारी वकील की है, APO की वैकेंसी, मतलब नाम उनका चेंज है, असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल है, और डिप्टी डिफेंस काउंसिल है, चीफ डिफेंस काउंसिल है, जो असिस्टेंट वाली है उसमें 135 करीब वैकेंसी है, या 130 मुझे जितना याद है, मैंने वीडियो बना के बता दिया, तो उसमें 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 14 तारीख लास्ट डेट है, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी मिलेगी 25,000 से 45,000 तक पर मंथ, और रेगुलर बेस्ड जॉब है, रेगुलर काम करना पड़ेगा, और वो जॉब जो है ना, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को तो छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को अगर एडवोकेट को प्रैक्टिस करनी है तो किसी के अंडर काम करना पड़ता है, बट इसमें आपको गवर्नमेंट ही काम देगी, लीगल एड का काम है, आपको सैलरी भी मिल रही है, 40,000 के आसपास तक सैलरी है पर मंथ, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, बट मिस मत करना, बाकी आपकी इच्छा है। तो अपन वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में निकली है लॉ क्लर्क की, उसकी बात कर लेते हैं। 11 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है। LLB की हो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, और एनरोलमेंट हो या ना हो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम एज 23 है, मैक्सिमम 32 है, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, जज के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ऑनरेबल जज के साथ। ड्यूटी क्या रहेगी, असिस्ट करना पड़ेगा ऑनरेबल जज को जुडिशियल वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ठीक है, असिस्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल एंड पेपर्स, ठीक है, और आपको आर्ग्यूमेंट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में लीगल रिसर्चर की वैकेंसी निकलती है ना, वही काम है इसमें भी, और करेक्शन करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, केस मैनेजमेंट में कोर्ट को असिस्ट करना पड़ेगा, और जो भी अदर ड्यूटी ये देंगे वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब इसकी देखो, 2 साल के लिए रहेगा ये, और उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, 10 दिन की छुट्टी भी मिलेगी आपको साल में, बाकी ऑनरेबल हाईकोर्ट की परमिशन लेके आप छुट्टी ले सकते हो। और देखो ये बाय पोस्ट भेजना है, तो एड्रेस ढंग से देख लेना। देखो इसमें अगस्त 2024 लास्ट डेट है, 4:30 बजे शाम के, और रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट हाई कोर्ट अपीलेट साइट कलकत्ता जनरल इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन अपीलेट साइट ग्राउंड फ्लोर मेन बिल्डिंग हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये एड्रेस है, और ये फॉर्म आपको मिल जाएगा www.kolkatahighcourt.government.in की साइट पे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, इसका मैं केवल ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वैकेंसी भी एक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में निकली है, कंसल्टेंट की पोस्ट है लीगल, ठीक है, 26 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है, अभी इसके फॉर्म स्टार्ट है, आप भर सकते हो, भरना चाहो तो, एक वैकेंसी है, 1 साल के लिए रहेगी। ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो महाराष्ट्र से है, उनके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन महाराष्ट्र में, मतलब मराठी लैंग्वेज में है, तो मैं इंग्लिश में ही आपको दिखा रहा हूँ, बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा दूंगा एंड में। देखो इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है 12, और ये इसमें रजिस्ट्रार वाले में भी एक है, इसमें भी आप भर सकते हो। देखो लॉ ऑफिसर LLB की डिग्री है, रजिस्ट्रार में भी LLB की डिग्री है, लॉ ऑफिसर की सैलरी रहेगी 67,000 से लेकर 2 लाख के आसपास तक, रजिस्ट्रार की सैलरी 1,23,000 से लेकर 1,25,000 के आसपास तक, और देखो मराठी लैंग्वेज में है, जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं वो अगर नोटिफिकेशन पढ़ के कुछ और इसमें क्वालिफिकेशन हो तो कमेंट कर देना, जितना मुझे मराठी मुझे आती नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ, तो इसमें एज बता देता हूँ, 18 से 38 है, और रजिस्ट्रार की 19 से 50 है, एज रिलैक्सेशन भी है, और फॉर्म की फीस 719 रुपये है, 449 रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए,
रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा इसमें। ये रहा महाराष्ट्र का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन, और ये मराठी में लिखा हुआ है, इसमें डेट वेट तो मुझे इसका नहीं, हिंदी में भी लिखा हुआ है महाराष्ट्र, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, मुझे लगा मराठी में भी है हिंदी में भी है थोड़ा, बाकी जो महाराष्ट्र के हैं वो ढंग से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, कहीं से भी हो अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, ये पोर्ट अथॉरिटी में लिख ली है, इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, रिजर्वड है एससी कैटेगरी के लिए, और 40,000 से 1,40,000 इसमें सैलरी रहेगी, एज लिमिट 40 है, एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का एससी कैटेगरी के लिए, और रिजर्व भी एससी कैटेगरी के लिए, डिग्री होनी चाहिए लॉ की और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपार्टमेंट, स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट, मेजर पोर्ट, पब्लिक सेक्टर या बार काउंसिल में। अगर बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के फिल करने के लिए, 5 साल आपके हो गए हैं। देखो बार काउंसिल में आप जब वो राजस्थान का ही फॉर्म भरोगे उसमें भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मेंबरशिप भी लेनी चाहिए कोर्ट की। जैसे मैं अगर राजस्थान का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने भी वो सर्टिफिकेट मंगवाया है, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज हो रहा है कि उसका एड्रेस कहाँ है, उसका एड्रेस टॉप पे लिखा हुआ है, आप देखना ढंग से पढ़ना, उसमें लिख रहा है प्रॉपर जयपुर बेंच, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजना है वो फॉर्म, ये भी याद रखना डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको फॉर्म भेजना है, अगर आप सारी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हो कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई है उसमें, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको फॉर्म भरना है उसमें, चीज़ का ध्यान रखना। और 14 तारीख लास्ट डेट है, खुद भी जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट से आप दे सकते हो फॉर्म, अपनी जो भी आपकी लीगल वो डिपार्टमेंट होगा उनका ऑफिस होगा, और कोई भी दिक्कत हो रही है आप उनके हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हो। टॉप पे मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट में एक वैकेंसी आई थी जिसको मैंने बता दिया वीडियो, हालांकि मैंने फ़ोटो नहीं लगाई इसमें, तो उसमें टॉप पे नंबर भी लिखा हुआ है उनके, तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसका एड्रेस क्या है, टॉप पे एड्रेस लिखा हुआ है, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, आपको कोई डाउट है तो हेल्पलाइन में आप पूछ सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस वाली वैकेंसी में, और पीजी आपने कर रखी हो तो डिज़ायरेबल है, और इंडस्ट्रियल लेवल केस देखे हो तो वो भी डिज़ायरेबल है। इसकी लास्ट डेट है 22/8/2024, तो आपको मैंने वैकेंसी बता दी, 4 करीब वैकेंसी बताई है, एक इंक्लूड कर लो, 5 वैकेंसी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो राजस्थान में लिख ली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली आपको अपडेट देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है और बेल आइकन दबाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर डेट निकलने के बाद अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैकेंसी आती रहती है, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, अगर जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है कर सकते हैं, बाय पोस्ट करना पड़ेगा, जो भी सीनियर लोग हैं 35 साल हो गए हैं उनको और कंटिन्यू एक्सपीरियंस है 7 साल का, केस नहीं मांगे उसमें, जजमेंट नहीं मांगे, आप एलिजिबल हो। सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जीके वीके नहीं आ रही, नए लॉ आ रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रीड करूँगा तो मैसेज कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।